हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर महेंद्र बघेल, एमवीएससी वेट सर्जरी, आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक खेत में हैं, निमाड़ क्षेत्र के, और यहां पे जो ऑक्सलेट पॉइजनिंग पौधा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसको ढूंढने आए हैं हम लोग, और अभी आपको बता रहा हूं मैं कि ये जो खेत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है बहुत सारे खेतों में, और ये सीजन जो रहता है अक्टूबर से लेकर अभी मार्च तक मिलेगा। जो ये पौधा आप देख रहे हैं इसका साइंटिफिक नेम है एनागिलिस अरवेंसिस, और इंग्लिश नेम है इसका कॉमन पिपरनेल, और जो हिंदी में इसको बोलते हैं जोकमारी या कृष्ण नील बोलते हैं। इसकी क्या खासियत है, इसको कैसे पहचाने, ये जाने। सबसे पहले इसकी जड़ देखते हैं। ये एक जगह से निकला है ये यहाँ पे, और ये गुच्छे में इसकी बेल जो फैली हुई रहती है। शुरू में तो ये एक है, फिर हर साथ में ये दो दो निकली है और दो पत्तियां भी है। ये दो है और दो पत्तियां हैं, फिर ऊपर भी दो है, दो पत्तियां हैं साथ में, और ये जो है वो चौरस टाइप है। ये चौरस है, गोल नहीं आता है, ये चौरस है, और पत्तियां जो है ये लंबी है इस टाइप, दोनों दो दो पत्तियों के जोड़ों में रहती है। और इसका जो फूल है वो ये जो कलर है वो है नीला कलर, और बीच में गुलाबी कलर, और ऊपर उसके पराग निकले हुए रहते हैं। तो ये पौधा का जो है फूल देखें, इसका फूल का कलर चेंज भी रहता है कुछ वैरायटी में। इसमें इसका जो बीज है ये गोलाई में रहता है, और एक दो तीन चार पांच इसके सपोर्टिंग लीफ निकली हुई रहती है, और गोलाई में इसके बीज हैं। और देख सकते हैं आप, देखो फैला हुआ रहता है जमीन में ये ऐसा लंबा। ये जो खरपतवार आप देख रहे हैं ये मिर्ची के खेतों में, बगीचों में, और गेहूं के खेतों में, यहाँ पर पानी आसपास रहता है वहां पे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप देख सकते हैं इस खेत में देखो कितना ज्यादा फैला हुआ है, और अगर ये इस प्रकार का पौधा अगर पशु खाएगा तो क्या होगा आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये वो पॉइजनिंग करता है। इस चारे को पशुपालक पहचान ले, ये चारा पशुओं को खिलाने से उसकी मौत हो जाती है, उसका गोबर रुक जाता है, और पेशाब भी रुक जाती है, और पेशाब और गोबर के रास्ते बिल्कुल सूजन आ जाती है, और किडनियां पूरी खराब हो जाती हैं, और पशु जमीन पे बैठ जाता है, उठ नहीं पाता है, बहुत ही परेशानी होती है। पूरा पॉइजनिंग करता है, बिल्कुल नहीं खिलाएं। अगर आपने अपने पशु को ये चारा खिलाया तो समझो कि वो मर जाएगा, और अगर बचा भी है तो इलाज कराने में बहुत ज्यादा पैसा आपका खर्च होगा, तो इससे बचें और इस चारे को नहीं खिलाएं।